खलीलुर रहमान कमर का कहना था कि मुझे मेरी बीवी ने कहा कि अगर तू हार कर आया ऐसी औरत से, इस बेशर्म औरत से, तो घर मत आना, मैं तुम्हें घर में दाखिल नहीं होने दूंगी। तो कराएं कि ये औरत कहां से आई है, ये फौज को गाली देती है, ये पाकिस्तान को गाली देती है, ये दीन को गाली देती है। इस औरत का मुझे किसी ने ट्वीट भेजा है जिसमें कहती है कि पाकिस्तान का मतलब क्या, फौज, गश्ती और मुल्ला। मारवी सरमद से माफी के सवाल पर खलीलुर रहमान कमर ने कहा कि मैं लानत भेजता हूँ इस औरत पर, मैं ऐसी औरत से माफी मांगूंगा, मैं खुदकुशी कर लूंगा, लेकिन ऐसी औरतों से माफी नहीं मांगूंगा। इन चूहों को बिल से निकलने का मौका मिल गया, लेकिन अच्छा हुआ। खलीलुर रहमान कमर का मजीद कहना था कि सही वक्त पर पता चल गया कि कोरोना वायरस ये भी है जिसका तदारुक करना बहुत जरूरी है। मैंने पहल कर दी, अब आवाम की बारी है, मेरी खुददार बहनें अब इनको खुद संभाल लेंगी, ये आपकी साख खराब कर रही हैं। खलीलुर रहमान कमर ने मीडिया की इन खबरों का भी जवाब दे दिया जिसमें कहा गया था कि खलीलुर रहमान कमर ने अपना मुआवजा 5 गुना बढ़ा दिया है। खलीलुर रहमान कमर का कहना था कि मुझे पता है कि प्रोड्यूसर कितना कमाता है, मैं प्रोड्यूसर को इम्तिहान में नहीं डालता। आखिर में खलीलुर रहमान कमर ने दावा करते हुए कहा कि ये औरत मार्च अपनी मौत खुद मर जाएगा। मर्द के अंदर गैरत होती है, वो चीखता नहीं, मर्द को जलील करने की साजिश हो रही है। उनका कहना था कि जो खवातीन हमें घूरती हैं, हमने तो इनकी कोई शिकायत नहीं की। निजी चैनल की जानिब से मुआहदा खत्म करने के मामले पर खलीलुर रहमान कमर का कहना है, मुझे पूरा पाकिस्तान और आधी दुनिया जानती है, अल्लाह इज्जत देता है, मेरे बुजुर्ग भी मेरे साथ अदब से बात करते हैं।